ये जमाना है, ये दुनिया है। दुनिया का रोज रंग बदलता है, दुनिया का रोज विचार बदलता है। कल तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे? गुस्सा। कल कर रहे थे, रात बीती, आज वही पापा, आज वही पापा क्या कर रहा है? हाथ फेर रहा है। कल गुस्सा कर रहा था, आज वही हाथ फेर रहा है। रात रात में क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। माफी मांग ली? नहीं मांगी। फिर हाथ क्यों फेर रहा है? क्योंकि पापा ने कल जो गुस्सा किया था वो रॉन्ग था, गलत था। रात में उसी को पश्चाताप हुआ, सुबह अपने आप आ, बच्चे को प्यार दे दिया। तो आदमी आज कुछ और कल कुछ, वो बदलता ही रहता है। और उसके पीछे आप कितना बदलेंगे, आप कितना क्या करेंगे, उसके तो अर्थ ही नहीं निकाल सकते बात का, क्योंकि वो उसकी बात का बतंगड़, उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। कल कुछ, परसों कुछ, अतरसों कुछ। ब्रह्म युक्तम न बभतोर सिंधुरम, भगवान श्री गणेश का आज का जो स्वरूप है वो कैसा है? आज भगवान गणेश का स्वरूप लाल कलर का हो गया है। भगवान गणेश आज इतने ज्यादा खेल लिए हैं धूप ताप में कि उनका रंग लाल हो गया है। कैसा हो गया है? सिंदूर, सिंदूर जैसा रंग हो गया है। हनुमान जी के अलावा सिंदूर कौन से देवता पे चढ़ाया जाता है? हनुमान के अलावा कौन से देवता पे सिंदूर चढ़ता है? हैं? जोर से बोलो, जानते हो तो बोलियो। श्री गणराज गणेश भगवान की जय। हनुमान जी के अलावा सिंदूर का श्रृंगार श्री गणेश को भी कराया जाता है। तो हनुमान जी के अलावा गणेश जी को यह श्रृंगार क्यों कराया जाता है? आज भगवान श्री गणेश का स्वरूप जो है वो सिंदूर लाल हो गया है। आप देखना, आदमी गोरे कलर का होता है और वो ऐसे धूप धूप में थोड़ा काम करे ना तो उसका कलर जो है वो सिंदूरी हो जाता है। भगवान गोरे कलर के थे, सिंदूर कलर हो गया उनका। माता पार्वती के गर्भ में मैं कहूं या ये कहूं कि माता पार्वती जब लाला का अवतरण कर रही थी, निर्माण कर रही थी, उस समय माता पार्वती अति तेजस्वी, अति दिव्य थी। तो माता पार्वती के तेज को देख के शिवजी रोक नहीं पाए खुद के काम को, तो उसी तेज को देख करके सिंदूरासुर नाम का जो दैत्य है वो पार्वती के साथ में कुछ उल्टा पुल्टा करना चाहता था। तब से माता पार्वती के पीछे लगा वो सिंदूरासुर राक्षस। माता पार्वती के साथ में वो कुछ कर ना पाया तो माता पार्वती के गर्भ से जब गणेश जी का इस तरह अवतरण हुआ, माता पार्वती ने निर्माण किया, तब सिंदूरासुर ने देखा कि बालक तो मां से भी ज्यादा सुंदर है और पार्वती का तेज बढ़ता ही जा रहा है बालक को देखकर। तो ये सिंदूरासुर नाम का जो दैत्य है माता पार्वती के साथ साथ उसके बालक का भी दुश्मन बना हुआ था। और ये बाहर नहीं होते, ये और ध्यान रख लो, आपके छोटे छोटे सुंदर बच्चों के दुश्मन जितने भी होंगे वो आपके घर के अगल बगल ही होंगे, दूर वाले नहीं होते, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही घर वाले होते हैं, ये ध्यान रखना। सिंदूरासुर रूप बदल करके कैलाश में ही रहता था और ये यही देखता रहता था कब हाथ लगे, कब हाथ लगे, और मैं इस बालक को मारूं और मेरी खुशी लूं। और जिसके लिए माता पार्वती अपने आप को महान मानती है, जब रोएगी तब पता चलेगा कि बालक मर गया, अब सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। पुत्र के मर जाने से मां के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, पति के मर जाने से औरत पे फर्क पड़ता है कम, पुत्र के मर जाने से फर्क पड़ता है ज्यादा। यह सिंदूरासुर जानता था। तो सिंदूरासुर ने आज खेलते हुए दोनों बालकों पे आक्रमण किया।
कार्तिकेय भगवान का युद्ध हुआ। कार्तिकेय भगवान जब थकने लगे तो भगवान श्री गणेश ने सिंधुरासुर को पटक पटक के मारा। छाती पर बैठकर भगवान ने अपना गज बल पैदा कर लिया। देखिए भगवान ने अलग अलग तरीके से लोगों को मारा है और सभी लोग अलग अलग तरीके से ही मारते हैं। दुश्मन को जब मारना है तो सबको एक जैसा नहीं मारते। तो भगवान गणेश ने क्या किया कि गज मुख तो थी, शरीर छूटा था, पर इसको मारने के लिए भगवान गणेश ने अपने आकार को भी हाथी के समान वजन वाला कर लिया और उसकी छाती पर बैठ गए सिंदूरासुर के। और मधुओ सिंदूरासुर को गजमुख भगवान गजानन ने गजानन बनकर ही मारा। उसको बैठ करके उसके प्राण निकाल दिए, उसे वजन से कुचल के मार दिया। सिंदूरासुर का वध भगवान ने खेलते खेलते कर दिया। तब भगवान सिंदूरासुर को मारे तो माता पार्वती ने अपने गजानन को स्वस्थ करने के लिए सिंदूरासुर से स्पर्श हुआ। आपको और बताना चाहता हूं, मैं हमेशा दवा बताता रहता हूं। मैं लोगों को बताता हूं कि कच्ची मेहंदी ले लो, लौंग का थोड़ा तेल ले लो, कच्ची हल्दी ले लो और ये सब पीस के पत्थर पे इसमें थोड़ा सिंदूर मिला लो और शरीर में जहां पर भी ये दाग धब्बे आ जाते हैं, खुजली बुजली सी रहती है, फंगस वगैरह रहता है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये सफेद जो रोग आ जाता है शरीर पे, दाग आ जाते हैं सफेद सफेद, अगर ये शुरुआत के दाग हैं और ये लगा लिया गया तो शरीर निर्मल स्वस्थ हो जाता है, दाग धब्बे कोढ़ जो होता है वो खत्म हो जाता है। पर ये प्रोग्राम शुरू में करना, ज्यादा फैलने पर नहीं। तो आज माता ने लाला के शरीर पर देखा कि छोटे छोटे निशान पड़ गए हैं, तो फिर भगवान के ऊपर भी सिंदूर का लेप किया गया उनके शरीर की स्वस्थता और सुंदरता के लिए। तो हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए शरीर के ऊपर कभी कभी हल्दी का लेप करना चाहिए, कभी चंदन का लेप करना चाहिए, कभी सिंदूर का लेप करना चाहिए, कभी तेल तिल का लेप करना चाहिए और कभी कभी सूंधी हुई मिट्टी का भी लेप करना चाहिए। और फिर कमाल देखो शरीर का, खाज खुजली दाद धब्बे फंगस खंगस ये सारे चमड़ी के जो बीमारियां अंदर हो जाती पसीने से, उससे तुम्हें हमेशा ही निजात मिलेगा। और ये झुर्रियां बुर्रियां हो जाती हैं चमड़ी में बुढ़ापा, वो भी सब सही रहता है। और दूसरा वायरस, बाहर से लगने वाला जो रोग है वो भी खत्म होता है, बहुत सुंदरता मिलती है। कभी कभी ये सब करते रहना चाहिए, इनका लेप करते रहना चाहिए। आप जब किसी बड़े सेंटर में जाते हैं तो वहां पर यही करते हैं सब, आज ये लेप होगा फिर लेप कर लो फिर सुखाओ। लेप जब तड़कने लगता है खिंचने लगता है तो फिर उसको भाप देते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं धोते हैं, आदमी को बड़ा फ्रेश लगता है, आदमी के दर्द कम हो जाते हैं, आदमी के हाथ पैर चलने लगते हैं। तो जो काम हम केंद्र में मेडिकल में जाकर करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, वह हम घर पर भी करते रहें तो बहुत उत्तम होगा। है कितना उत्तम होगा। पहले तो पानी लगाते थे ना खेत में, पुराने समय में बुजुर्ग पानी खेत में लगाते थे तो वहीं पर भी वो मट्टी पोत लेते थे मट्टी, और दिन भर पानी लगाते रहते थे और शाम को नहा लेते थे। पहले साबुन कहाँ थे नहाने के लिए। और आप सुनिए ना, जैसे हम कपड़ा पहन के खेत में काम करते हैं तो कपड़े की जगह गोरी और बिना कपड़े की जगह काली हो जाती है, ऐसे ही पहले मिट्टी लपेट कर दिन भर काम करते थे तो शाम को गोरे के गोरे ही निकलते थे, पूरा का पूरा प्रहार मिट्टी पे होता था धूप का। कितना बढ़िया आइडिया था अनपढ़ लोगों के पास। और जब से ये शिक्षा आई है तब से तो महाराज क्या कहना है, क्रीम के नाम, क्रीम के नाम सनस्क्रीन, धूप से बचाने की क्रीम बोलो,
कोई लॉजिक है? ये कितनी झूठी बात है। बोलो, धूप से बचाने की क्रीम और इतनी महंगा, इतना महंगा। एक माताजी ने मुझे भी ला के दी थी 5-6 साल पहले। मैं गोरा चिकना तो बढ़िया ही तुम पहले से, तो गुरुजी ये सनस्क्रीम है। मैंने कहा क्या होता है? तो कहा धूप नहीं लगती इससे। तो मैंने सुसरा देखा, चेक कर लू भैया। तो मैंने लगाई क्रीम, बाहर चेक किया सूरज की तरफ खोपड़ा करके, तो भनभना के धूप लगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सनस्क्रीम नहीं है, ये तो धूप पसीना हो रहा आ गया दुनिया भर का। तो महाराज बड़ी दुनिया बेवकूफ बना रही है। सनस्क्रीम, बारिश की क्रीम, ठंडी की कोल्ड क्रीम, अरे तेरी ऐसी तैसी करो आए। और ये पूरा का पूरा पांडाल जो है ना, उसमें बहा हुआ बैठा है मौसम के हिसाब से। अरे काय को मौसम और काय का क्या। शरीर तुम्हारा इतना अनमोल है, फिर सुनो, शरीर से ज्यादा अनमोल दुनिया में कहीं भी क्रीम नहीं मिलती है। ये काया तुम्हारी मौसम के हिसाब से अपने आप को रखती है, तैयार करती है और बदलती रहती है। इसको कुछ भी अलग से मौसम के लिए पोता पाती की जरूरत नहीं है। शरीर में जब कम हो जाए, तत्व कम हो जाए, ऑयल कम हो गया, मानो शरीर में ऑयल कम हो गया तो क्या होता है? सबसे पहले एड़ियां फटती हैं। एड़ियां, अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं, मार्बल में भी, ग्रेनाइट में भी, टाइल्स में भी फट रही हैं, और आप न कूड़ा डालते न गोबर डालते फिर भी फट रही हैं एड़ियां, तो फिर आपको अंदाज नहीं, पूरा विश्वास करना चाहिए कि मेरे शरीर का ऑयल कम हो रहा है, मेरे शरीर का मॉइस्चराइज कम हो रहा है, मेरे शरीर में मुझे मॉइस्चर पैदा करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में यह करना चाहिए कि आधा चम्मच गाय का घी सेंधा नमक डाल करके रोज खाली पेट 3 महीने खाना चाहिए, तो पूरे शरीर में मॉइस्चर ही मॉइस्चर, मॉइस्चर ही मॉइस्चर, इतना मॉइस्चर आ जाएगा कि महाराज एड़ियां जो है एकदम दमकने चमकने लग जाएंगे। कई लोगों के हाथ भी फट जाते हैं, कई लोगों का ये फट जाता है ठंडी में, जनवरी में, चमड़ी। तो कितना बढ़िया आइडिया, बिना क्रीम के अंदर डालो क्रीम, आधा चम्मच गाय का घी और उसमें सेंधा थोड़ा सा, और खाली पेट सुबह ले लो। आप 10 दिन भी ले लेंगे इसको, और थोड़ा तला वाला छौका छाका कम खाएंगे तो आप देखो तो सही आपकी चमड़ी कैसी रंग छोड़ती है। ऐ अंदर से महाराज ऐसी बिवाइयां भरती चली जाएंगी फटी हुई, जहां मांस नहीं है, जहां दरार बड़ी है, वहां मांस पैदा हो जाएगा। ऐ ऊपर से क्रीम लगाने से मांस कैसे पैदा होगा? कभी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि मांस तो आहार से पैदा होता है। अंदर से मांस बाहर की ओर बढ़ता है, चमड़ी अंदर से बाहर की ओर निकलती है। ऐ आपने चमड़ी को कभी पैदा होते देखा है शरीर में? नहीं। अरे बाबा ये जो चमड़ी है ये 24 घंटे पैदा होती है, 24 घंटे पैदा होती है, और जो पैदा हो गई वो मर जाती है 24 घंटे में, फिर नई पैदा होती है। तो 24 घंटे में नई आती है चमड़ी, नई। इसीलिए जब सुबह तुम पानी से रगड़ के नहाते हो तो हाथ पैर गाल कैसे चमकने लगते हैं? बोलो, पानी में नहाने से शरीर चमकता क्यों है? डेड चमड़ी पानी से निकल जाती है। जब आप यो यो करते हैं, यो यो करते हैं, तो जो डेड बॉडी है वो निकल जाती है, और जो नया आइटम है वो पानी से खिल के आवार आता है। तो आप तो रोज नई चमड़ी पैदा करते हो, रोज नई चमड़ी आती है, रोज नई आती है। चमड़ी कभी भी पुरानी होती नहीं है, जब उसका ध्यान गलत दिया जाए तब पुरानी होती है। वो पुरानी को नई कर नहीं सकते, चाहे जितना पुताई कर लो ऊपर से। चमड़ी को अंदर से पावर दो, चमड़ी को अंदर से शक्ति दो, मसल्स को अंदर से शक्ति दो, मांसपेशियों को अंदर से शक्ति दो, तो वो कैसे मिलेगी गुरुदेव? आहार से, भोजन से। ऐसा भोजन करो जिससे चर्बी ना बने, चर्बी है। चर्बी अगर बनी फिर भोजन से, फिर तो भैया मसल्स मांस बनना कठिन है। चर्बी और मांस में वैसे फर्क है भाषा का। चर्बी अगर बढ़ी
तो फिर भोजन पूरे शरीर पर दिखाई नहीं देगा, भोजन फिर केवल पेट और कोट पर ही दिखाई देगा। है किसी किसी की कमर बहुत ऐसी मोटी सी हो जाती है, पीछे का भाग बहुत बड़ा हो जाता है, किसी का आगे इतना भाग बड़ा हो जाता है, ये क्या है? ये चर्बी है। और कोई भोजन जरूर रॉन्ग हो रहा है, जैसे तुम नहीं जानते कोई खाने में गलती हो रही है, वो हमारे शरीर को फैट बढ़ा रहा है। और वो खाना छूट जाएगा तो मुझे लगता है शरीर फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्यों? पूरे शरीर में भगवान ने 84 लाख इंजीनियर बिठाए हुए हैं। कितने लाख? 84 लाख इंजीनियर बॉडी में है मनुष्य की। वो सब दिन भर काम करते हैं बॉडी में। अच्छा बताओ, तुम्हारे हाथ में यहां चोट लगी, फोड़ा आया, तुमने फोड़ दिया, मवाद निकल गया, पट्टी बांध ली, ठीक हो गया, 2 महीने तक आपको दाग दिख रहा, फिर वो दाग गायब कैसे हो गया बताओ? वो गया कहां है? कई महिलाएं ऑपरेशन करती हैं बाल गोपाल के बाद में टांके लगाती हैं, रोड सा बन जाता है पेट पे, और देखते देखते 8-10 साल के अंदर वो जगह खत्म हो जाती है, वो टांके वाली जगह दिखाई नहीं देती, वो रोड खत्म हो जाता है, वो गायब कहां हो गया? अरे बाबा गायब नहीं, गुरुजी बता तो रहे हैं कि हर रोज नई चमड़ी आती है और नई चमड़ी आके एक दिन में पुरानी होके उतर जाती है। धीरे धीरे टांके की जगह पर वो निशान दिखाई देते, नई आ जाती है, मसल्स नई आ जाते, नई चमड़ी आ जाती है। इसलिए तो डॉक्टर फाड़ने में चुकते नहीं और सिलने में नहीं चुकते, उन्हें पता है ना कि फाड़ के सिल दो चुपक जाना मतलब मांस नया जिंदा होता है, तो मांस में मांस, चमड़ी में चमड़ी नया होता है। अगर काट के ऑपरेशन करके चमड़ी और मांस नया पैदा नहीं होता तो कभी भी जुड़ता ही नहीं, पेट फटा का फटा ही रहता चाहे जितने टांके मार लो, पर मांस में और चमड़ी में जीव होता है, इसीलिए वो नित्य बढ़ता है। मांस रोज बढ़ता है और चमड़ी भी रोज ही बढ़ती है, पर रोज उतरती भी है। अच्छा आपने कभी कभी किसी मोटे आदमी को पतला होते देखा है कि नहीं? हमने तो देखा, हम तो करते ही हैं। तो कोई आदमी पतला था, मोटा हो गया और फिर पतला होना चाहा तो पतला भी हो गया, तो ये इससे समझ में आ गया कि मांस घट भी सकता है और बढ़ भी, घटने बढ़ने वाली चीज है, अपने हाथ की चीज है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए सिंदूरासुर की कथा संपन्न करते हुए भगवान श्री कहते हैं, हे राजा सोमकांत, आज मैया ने लाला को स्वस्थ कर दिया और आज शंकर के पास में जाकर मैया बैठी तो मैया ने कहा, देखो जी बाल गोपाल जब से हमारे कैलाश में आए हैं ना तब से इनके दुश्मन बड़े हो गए, और सुनिए सबसे ज्यादा दुश्मन बाल अवस्था में गणेश जी के, दूसरे नंबर पर भगवान कृष्ण जी के, ये दो भगवानों के दुश्मन बचपन से ही महाराज। और सुनो दूसरा, ये दो ही देवता ऐसे हैं जिन्होंने बचपन को खेला है, बचपन में क्रीड़ा की है। गणेश भगवान के भी कार्टून जब सबसे ज्यादा मिलते हैं खेल कूद के, मजाक मस्ती के, और श्री कृष्ण के भी कार्टून ज्यादा बनते हैं, ज्यादा बनाए जाते हैं, उनकी कथा है। बाल लीला राम की भी गाई जाती है, पर राम की बाल लीला कैसी है? चटक मटक लटक पटक वाली नहीं है माला है। गणेश जी की और कृष्ण जी की लीला ऐसी है बचपन की कि उन लीलाओं के चिड़ से कितने उनके दुश्मन हुए। तो शंकर भगवान, माता पार्वती, आज दोनों बालक बड़े हो गए तो उनके विवाह की योजना बनाने लगे। परम विद्वान परम विदुषी भगवान ब्रह्मा की कन्याओं के साथ में परमानंद भगवान गणेश का विवाह संपन्न हुआ। आज भगवान सिद्धि के स्वामी बन गए, रिद्धि के स्वामी बन गए। रिद्धि और सिद्धि दोनों ही भगवान को प्राप्त हो गई, गणराज को प्राप्त हो गई। क्यों? रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आदमी को अपने दोष को मारना है, दोष ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका कोई दोष ही आपका दुश्मन बनेगा, वही तुम्हें परेशान भी कर सकता है, दुखी कर सकता है और कितनी भी चिंता में डाल सकता है, दोष अपना, निज दोष।
इसीलिए अपने दोष को मारने का प्रयत्न हर समय व्यक्ति को करना चाहिए, हर समय उस पर साज संयम रखना चाहिए। भगवान की जो लीलाएं थी भगवान के काल में, आलोचना से भरी हुई लीला थी महाराज। भगवान ने जो भी लीलाएं अपने भक्तों के साथ की, उस समय भगवान ने आलोचना ही आलोचना सहन की। वो तो बाद में लोगों की आंखें खुली कि ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, उनका तो समस्त लीलाओं के साथ अधिकार जुड़ता है। वो तो अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए अपने भी जमीर को दांव पे लगा देते हैं, ऐसे भगवान लीला करते हैं। और उन लीलाओं को कोई ठीक जान ले, समझ ले उसके बारे में, तो अति उत्तम जीवन है। और उन लीलाओं का अर्थ और अनर्थ कर दिया तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं होगा जीवन में, फिर वो बहुत ही घातक और खतरनाक जीवन हो जाता है। आज पार ब्रह्म परमात्मा गणेश विवाह संपन्न हो गए, कार्तिकेय महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। तयान भूतम यद दर्शनानाम मेधस्व युक्तम भवते प्रभाः। अब माता पार्वती और शिव जी गणेश से आशा लगा के बैठे हैं कि गणेश के रिद्धि सिद्धि के आने से घर में अब शुभ होना चाहिए कुछ। तो क्या शुभ होना चाहिए? तो रिद्धि और सिद्धि ने भगवान के घर में कैलाश लोक में शंकर के यहां पर भगवान शंकर को बाबा बना दिया। क्या बना दिया? बाबा। कैसे बाबा बना दिया? क्योंकि रिद्धि सिद्धि के गर्भ से शुभ और लाभ का प्राकट्य हो गया। शुभ और लाभ का प्राकट्य हो गया तो शंकर भगवान क्या हो गए? भोले बाबा हो गए महाराज। माता पार्वती माता जी हो गई, दादी जी हो गई। अब तो शुभ और लाभ कैलाश में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? रिद्धि सिद्धि से। तो जिसके जीवन में शुभ और जिसके जीवन में लाभ है वो केवल रिद्धि का काम है। रिद्धि कहते हैं अच्छी बुद्धि को, अच्छे विचार को, और सिद्धि कहते हैं अच्छे विचार के कर्तव्य पथ को, कर्तव्य निष्ठा को। और ये दोनों किसके पास हैं? गणेश जी के पास है। उनका माथा इतना विराट है, उनके पास है ये सब। तो हे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे सबसे कहूंगा कि आपकी मति रिद्धि सिद्धि वाली होनी चाहिए, और आपकी मति से शुभ ही शुभ हो और लोगों का लाभ ही लाभ हो। दूसरों का लाभ, दूसरों का शुभ होने से हमेशा हमारा शुभ और लाभ ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। अच्छा बोलो, आपके हाथ में परफ्यूम लगा हुआ है और आप किसी, मान लीजिए आप हमारे पांडाल में सेंट छिड़क रहे हैं, परफ्यूम मार रहे हैं, तो आपके हाथ में बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? आपके हाथ में सेंट की बोतल है, यूं यूं कर रहे हैं अंगूठे से, तो आपके हाथ में क्या होगा? आपने अपने हाथ में सेंट नहीं मारा तो भी हाथ में सुगंध पैदा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने दूसरों को सुगंधित किया है। चाहे हम एक भी बूंद अपने ऊपर ना छिड़के पर उसका रंग तो हमारे ऊपर चढ़ जाता है। आए? अच्छा, आप पूड़ी परोसते हैं तो अपनी उंगली चिकनी हो जाती है कि नहीं? हो जाती है, पूड़ी परोसने से चिकनी हो जाती है उंगली। हमने घी थोड़ी लगाया, तेल थोड़ी लगाया, पर पूड़ी परोसने का काम सेवा की है तो पूड़ी के अंदर जो तत्व है वो हमें प्राप्त होता है। अकारण सेवा में यही फल है। तो मैं आपको बार बार घुमा फिरा करके वही समझाना चाहता हूं कि श्री गणेश की आज पावन कथा, विश्राम की कथा आज आप कथा सुनिए। मैं चाहूंगा कि अपनी बुद्धि में शुभ ही शुभ, लाभ ही लाभ ले जाओ, आनंद ही आनंद ले जाओ। कोई भी आज तक भी कोई विचार आपके दिमाग में घुसा है गंदा, उसे निकाल के पटक के खत्म कर दो और शुभ ले जाओ, लाभ ले जाओ। आपके साथ साथ आपके परिवार का भी शुभ हो, लाभ हो। हमारी वजह से कोई दुखी है परिवार में, घर में, मकान में, पड़ोस में, क्या फायदा फिर अपने आप का? और हम पीछे पड़ गए किसी बात को लेके? ना, जीवन में कभी पीछा न करो बात का।
कहावत क्या है, बात गई रात गई, कल की बात आज तक पकड़ के बैठोगे, महीनों की बात सालों तक पकड़ के बैठोगे तो बीमार कर देगी और तकलीफ डाल देती है। इसीलिए लोग कहते हैं कब तक रोना कब तक रोना, अब तो ये कभी लौट के आने वाला नहीं है। अरे भैया, अरे बहन, अरे चाची, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा खा लो। लोगों की बात मान के वो खा लेती है, पी लेती है, सो लेती है तो 15-14 दिन में काफी अच्छी हो जाती है, महीना दो महीने में पूरी नॉर्मल होने लग जाए। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं किसी बात को और अच्छी बात मानेंगे नहीं, तब तक अपना टेंशन कम नहीं हो सकता है। उसको कम करने का सही मार्ग है बंधु, ये मैं एक भजन की तर्ज याद कर रहा हूं इसलिए गैप हो गया। मैं काफी उसको सोच रहा हूं 15-20 मिनट से, पर बोलने में और वो राग अलग चलता है तो दिमाग अलग ही अलग घूम रहा है। ला 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 रिया। आज रात रुक जा गणपति और तुम मेरी नगरिया, मेरी नगरिया, हाय मेरी नगरिया। आज रात रुक जा गणपति, हो मेरी नगरिया। आज रात रुक जा गणपति, ओ मेरी नगरिया। आज रात रुक जा गणपति, तू मेरी नगरिया। आज रात रुक जा गणपति, ओ मेरी नगरिया, मेरी नगरिया, मेरी नगरिया, मेरी नगरिया, मेरी नगरिया, मेरी नगरिया।
मोदक बहुत है लड्डू बंधुओं,
अच्छे मेहमान को विदा करते समय हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम उनको एक रात रोकने की प्रार्थना जरूर करते हैं। ये हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, इसलिए आज ये गीत गाना बहुत जरूरी भी था। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ने गाया होगा, नहीं गाया तो तुम्हारी सबकी तरफ से मैंने भगवान को आज कोशिश की है कि रुको, आज रात और रुक जाओ भगवान, कल सवेरे चले चले जाना। दो तीन लाइन और रह गई भजन की, पर अब रहन दो, इतने से ही मान गए। गणेश जी कह रहे हैं कि लाला चिंता मत कर, कल ही जाऊंगा 8:30 बजे की गाड़ी से। अंत में भगवान महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को भगवान श्री गणेश के विसर्जन की कथा और पुण्य समझाया। राजा सोमकांत का शरीर पूरी तरह सिंदूर जैसा सुंदर हो गया, कोढ़ खत्म हो गया। राजा पूरी तरह गणेश का भक्त हो गया। जब हम ठीक हो जाते हैं तो घर में से हम दवाई फवाई मेडिकल फेडिकल सबको फेंक देते हैं, भगा देते हैं, ठीक हो गए तो राजा भी ठीक हो गए। आज